कि भाजपा को सब लोग एकजुट होकर के पछाड़ दिया, अहंकार में रघुवर दास चल रहे थे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। झारखंड में आरजेडी अपने रिकॉर्ड जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल 7 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी उतरे, जिसमें से 5 सीटों पर आरजेडी लगातार बढ़त बनाए हुए है। सबसे खास बात यह है कि आरजेडी देवघर की सीट पर रिकॉर्ड बढ़त के साथ आगे है और लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि वहां पर आरजेडी जीत की तरफ है। तो बिहार में भी इसका साइड इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार में भी महागठबंधन एक साथ अगर चुनाव लड़ती है तो नीतीश कुमार की पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने झारखंड में आए हुए चुनावी नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए इस पूरे बयान में। झारखंड में महागठबंधन की जीत के लिए झारखंड की महान जनता का जिंदाबाद, हेमंत सोरेन को बधाई, तमाम नेताओं को, कार्यकर्ता, वहाँ के लोगों को बधाई कि भाजपा को सब लोग एकजुट होकर के पछाड़ दिया। अहंकार में रघुवर दास चल रहे थे, उनकी भी हार हो गई, स्वयं उनके मंत्री रिवेल करके उनको हरा दिए, इसलिए जनता को हम बधाई देते। और देश भर में उत्साहित लोग हैं गैर भाजपा के लोग, और यही फार्मूला सिद्ध हो गया, साबित हो गया और सफल हो गया कि गैर भाजपा दल एकजुट होंगे और भाजपा को परास्त करेंगे, महागठबंधन का राज बनेगा। इसका क्या प्रभाव बिहार में पड़ने वाला है? हमारा पड़ोस न है, अब पहले तो एक न थे झारखंड, तो जो यहाँ भाई रहता है तो दोनों एक बेरी विराम पड़ता है, दोनों एक बेरी निरोग होता है। उसी तरह से झारखंड में भाजपा की विदाई हो गई तो यहाँ से भी विदाई हो जाएगी। मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही है झारखंड में आरजेडी? तो महागठबंधन के राज बना है तो सब नेता लोग जुट कर अपना मंत्रिमंडल गठन करेंगे, तब राज बना है तो सब हिस्सेदार है, तो राज बांट कर शेयर राज में हिस्सेदारी तो होनी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये लालू यादव के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि हर हफ्ता 3 आदमी को मिलने की इजाज़त है, सरकार बन जाएगी तो सहूलियतें होंगी उनको, तो उनका मिलने में सब महागठबंधन को एक करने में और मजबूत करने में वो भी भूमिका उनकी जबरदस्त है। तेजस्वी का जादू चल गया इस बार झारखंड में, सब जगह चल जाएगा, महागठबंधन एक होगा सब जगह चल जाएगा, एक जगह चलेगा।